रामानुजन थे, उन्होंने द्वैतवाद लाया था, जो ये अद्वैतवाद और द्वैतवाद जो ये बोल रहे हैं ना, तो जब ये शंकराचार्य आए थे तो अद्वैतवाद लाए, तो उस टाइम जो शिवलिंग या शिव पूजा थी, उसके बाद जब रामानुजन ने 8वीं सदी के बाद जब ये द्वैतवाद लाए तो उस टाइम विष्णु का कॉन्सेप्ट क्लियर इन लोगों का आ गया। तो रामानुजन के बारे में भी आप उनका पढ़िएगा उनका बुक, तो उसमें भी ये है कि वो एक मंदिर का महंत बनने के लिए एक वैश्य को अपना गुरु बना लिए थे। मतलब अगर उनकी पूरी स्टोरी, मैं तो बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, उनको गुरु बना लिए थे कि उनको पता था कि हाँ चलो इसके बाद तो मैं, मेरी पूजा तो ये कर ही रहा है वैश्य जो है, लेकिन इसके बाद तो मैं ही बनना हूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र, राजपूत का बेटा राजपूत, ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये ठीक है चीज भाई, सही नहीं आपकी है। वॉइस ब्रेक हो रही है। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ये जो है ना, एक कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, राजपूत का बेटा या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। ये जो अभी की वो बात कर रहे हैं, तो अभी जो ये चीज हुआ है तो वो इसलिए हुआ है ना कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस चीज को किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही ये चीज लिखा जी है कि नहीं, जो उन्होंने तो खैर 10 साल के रिजर्वेशन के लिए किया था, लेकिन ब्राह्मणों को धीरे धीरे करते 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 मनुस्मृति की जो ये बात करते हैं, तो उनको भी पता ही होगा बाबा भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति तक को जलाया है। उन्होंने बोला कि बिल्कुल गलत किताब है, इसको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, जहां पे दो मनुष्यों के बीच में भेदभाव हो रहा है, और भेदभाव भी ऐसा वैसा नहीं, मतलब अगर हिस्ट्री में आप देखें तो पेशवा जैसे थे, जो अगर पूरे भारतीय इतिहास में पहले ब्राह्मण राजा थे, पहला ब्राह्मण राजे थे जो पेशवा थे। तो पेशवा क्या करते थे, जो शूद्र होते थे जी उनको मतलब उनके गले में घड़ा तक बांध दिया जाता था कि वो कहीं थूक नहीं सकते हैं, और उनको सिर्फ दोपहर में, मतलब सूरज जो सर के ऊपर होता है ना, उसी वक्त निकलने की इजाजत होती थी। रीजन ये कि जो उनकी परछाई है वो किसी ब्राह्मण के ऊपर ना जाए, मतलब लिटरली परछाई तक ना जाए, क्योंकि जी अगर परछाई जाती थी तो भी हाँ वो जी मतलब क्या मैं बताऊँ कितना बड़ा वो पाप कर देते थे। और जो वेद का, जो आपने एक चीज बोला था, बिल्कुल सही बोला है, इनके जो वेद्स हैं या जो भी है उसमें पढ़ लीजिए आप, एक जो शूद्र है वो वेद को सुन तक नहीं सकता है। पढ़ना लिखना तो दूर की बात है। उन लोगों ने क्या किया कि लोगों को एकदम बिल्कुल अलग कर दिया कि नहीं, वेद सिर्फ मेरे पास है, वेद मेरे अलावा कोई नहीं सुन सकता। हाँ उसमें भी है, वेद जो है जी एक ठीक ब्राह्मण एक क्षत्रिय को सिखा सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन एक क्षत्रिय ब्राह्मण को नहीं सिखा सकता। यानी कि अगर मान लो कि जी एक होता है ना एग्जैक्टली कि मेरा टीचर है, मैं उससे कुछ सीख रहा हूँ, मुझे पता चला कि नहीं सर ने मुझे ये गलत पढ़ाया, तो मैं उसको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो पाप हो जाएगा। तो ये लोग का यही है जी सर, क्या ठीक उनको है भाई, बीच में। आपकी आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है फिर से। जी सर, तो मैं ये बोला था सर कि मैं इन लोगों के बीच में इनको इंटरप्ट करना चाह रहा था, क्योंकि मैं भी एक शुद्री हूँ इनके कास्ट सिस्टम से। जी और एक सबसे बड़ी चीज की देखिए, अगर किसी धर्म ग्रंथ में कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है तो फिर क्या धर्म है वो, कि मैं ब्राह्मण हूं तू क्षत्रिय है। अगर मान लीजिए ब्राह्मण का बेटा अगर वो चोर निकल जाता जी है, रेपिस्ट निकल जाता है, मर्डरर निकल जाता है, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण है। और आपने एक चीज जो मैं सुन रहा था आपका, आपने सही बोला था कि किसी भी राजा को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी ब्राह्मण को, मतलब एक होता है ना हत्या की सजा देना जी कि उसको फांसी पे करेक्ट लटका दो, चूल्हे पे चढ़ा दो, नहीं कर सकता। उसको मैक्सिमम क्या सजा है उसकी, कि उसको देश निकाला कर दो। तो यही चीज है, इन तड़ी लोगों ने पार। बहुत हाँ सारी जी तड़ी पार कर दो, और वो भी तड़ी पार करके वो क्या है, जाके जी दूसरी जगह जाके वो ब्राह्मण बन जाएगा, बस हो जाएगा उसका काम। हेलो हेलो, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिखर भाई। वेलकम वेलकम ठीक है लुक्यांग सर। भाई, कैसे हैं आप महाकाल के बाद? हेलो, कैसे हो सर? जी भाई महाकाल के बग्गी है ना कैसे भाई आप? हो आपकी सर? वॉइस में थोड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। कैसे हो सैम? कैसे हो? सर सर मैं ठीक हूँ सर, मैं ठीक हूँ सर, पर आपका जो माइक है उसमें कुछ प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा माइक को दूर रखिए। हाँ हेलो, अभी सही है? अब हाँ अभी ठीक है। ठीक? अच्छा, एक मिनट, 2 मिनट रुकने भाई। जी भाई पहले देखिए लुकयांग भाई, आपकी ही है, अगर आप एक स्क्रीन मिनट, देखे हो तो भाई मैं डायरेक्ट आपके गद्दे पे माइक हूँ। से बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई, थोड़ा माइक का चेंज कर लीजिए। हाँ एक मिनट रुको। अच्छा, एक मिनट। लुकयांग भाई आपके माइक से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, हम इस तरह से बात नहीं कर सकते, आप थोड़ा माइक सेट कर लीजिए।
मैं आपको लेता हूँ थोड़ी देर में, जब तक हम हिंदू गाय से बात करते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? हिंदू गाय, सलाम वालेकुम सैम स्टॉल मैन। हिंदू भाई कैसे हैं आप? माइक अनम्यूट करिए प्लीज। सलाम वालेकुम सैम स्टोलन भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया, मैं ठीक हूँ भाई। भाई मैं आपसे जी भाई बताइए, हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? मैं तो आपसे कुछ डाउट लेने आया था, पर आपने वो राजपूत वाला कॉन्सेप्ट लिया है बीच में। भाई आपकी माइक आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है भाई। क्या अब सही आ रही है? नहीं भाई आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है मेरे भाई, एक बार कनेक्शन आप चेक करके आइए, बहुत ही डिस्टॉर्शन आ रहा है। जी महाकाल के भक्त, माइक अनम्यूट करिए भाई। हेलो अब सही आ रही है? हेलो जी अभी सही है? अच्छा हाँ अरे सैम, सबसे पहले कुछ बातें बोलना चाहूंगा। देखो आज मैं तुम्हारी स्ट्रीम पर आया हूँ, उसके बाद शायद ही अब मैं कभी तुम्हारी स्ट्रीम पर आ जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहने लगा रहा हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ मैं। अच्छा मैं सैम मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस तीन सवाल तुम्हारे सामने रखूंगा। एक मिनट, डायरेक्ट मुद्दे पे आ रहे हैं ना भाई, एक मिनट मैं तुम्हारे सामने। ब्रेकआउट हो रही है, आवाज में ब्रेकेज है। हेलो 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 भाई, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मेरे भाई। हाँ हाँ बोलो, अब आ रही है तो? जी जी बोलो। तुम्हारा आवाज क्लियर है आपको? हेलो जी सर, हाँ जी सही आ रही है। हेलो हाँ जी बोलिए लोकेश भाई, अभी आ रही है? जी जी अभी आ रही है भाई, तुम्हारे तरफ कोई प्रॉब्लम? हाँ आ रही है मेरे भाई। अच्छा अच्छा देखो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, देखो भाई मैं तुम्हारी स्ट्रीम पर ये अब शायद ही कभी फिर आगे आ पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन अभी मैं आया तो क्या दे रहा हूँ मैं भाई तीन सवाल तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, तुम मुझे उसका जवाब दो। मेरा पहला सवाल तो ये है कि इस्लाम में क्या कहते हैं परमात्मा को लेके क्या कहा है? दूसरा एक मिनट हो जाने दो। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है इस्लाम के इस्लाम में एक मिनट मैं आपको नहीं रुकिए, आप यहाँ पर आ रहे हो भूप भूप धूप भाई के सवाल लेकर कि ईश्वर का ये क्या है, ईश्वर का वो क्या है, इसका वो क्या है, इसका वो क्या है, इससे इस्लाम से ये साबित नहीं होता कि आपका रिलीजन इस्लाम से बेहतर है। आप भूप भूप धूप भाई है ना, उनको ही लेकर आ जाओ, आप उनके भक्त बन के बैठे ना, महाकाल के भक्त को हटाकर आप ल्यूकैंग भक्त बने ना, अभी ल्यूकैंग के भूप भाई के धूप भाई के भूप भाई के उनके भक्त, एक मिनट रुकिए, उनके भक्त बन जाओ, एक मिनट भाग रहे हो सर भाई। अभी आप मुझे ये बताइए उनके उनके सवाल भागने, देखिए मैं आपको रेस्पेक्ट देता हूँ, वैसे तो मैं आपको लेना नहीं चाह रहा था, फिर भी मैं आपको लेकर बात कर रहा हूँ तो रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, तो आप ये मत बोलिए मैं भाग रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, तो सुनिए तो ये मत बोलिए। हाँ तो ये आप ये मत बोलिए, नहीं आप कितना रेस्पेक्ट करते, आपने दूसरों की स्ट्रीम पर जाकर बता दिया है, आपने बता दिया है, अगर आप रेस्पेक्ट करते थे तो मेरे पीठ पीछे भी रेस्पेक्ट ही देते थे, तो यहाँ पर आकर आप ये मत बोलिए कि मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ, पर्दाफाश हो गया मेरे भाई। तो देखिए आप जो भूप भूप धूप भाई जो भी आपके उनको लेकर आइए, आप उनको ये साबित करने दीजिए कि हिंदुइज्म अच्छा है या इस्लाम अच्छा है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप बोल रहे हैं कि गॉड ये है, परमात्मा ये है, ईश्वर का ये कॉन्सेप्ट है, आत्मा क्या है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि हिंदुइज्म बेहतर है इससे, इस्लाम से बेहतर है, ड्राई सब्जेक्ट है वो। तो भाई सवालों का जवाब दे दो, मुझे बताइए भूप भाई के सवालों का जवाब दे दो। भूप भाई का नहीं, आपसे ये सवाल पहले तो ये स्ट्रीम भूप भाई का जो सवाल है ना, भूप भाई को आके करने दो, ठीक है ना, बुलाओ उनको, डिबेट करते डिस्कस करते हैं। देखिए पहली चीज गुरुवार को डिबेट है, सिंपल जाओ ना भाई गुरुवार को डिबेट जाओ ना भाई। लुक मैं बोलता हूँ सुन लीजिए, मैं प्रवीण पूजा के स्ट्रीम पर गया था, ठीक है, क्या हुआ था वहां पर देखिए ना आप,
आप खुद देखिए कि वन ऑन टू, टू वर्सेस वन, प्रीति को भी लाकर बिठाए हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। प्रीति और प्रीति ने किस तरह से डिस्टर्बेंस से करनी है, भूप भाई से करनी है, भूप से। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो ना, सुनते हैं, सुन लो। तो मैंने वहां पर डिस्कशन किया कि वो प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, तो प्लेटफॉर्म ट्रस्टेबल नहीं प्लेटफॉर्म। एक बार मैंने ऑलरेडी वहां पर चला गया है, अभी हमें थोड़ी खिदमत करने का मौका दीजिए, आइए हमारे पास। एक बार तो हम चले गए आपके पास, तशरीफ ला दिए, आप हमारे पास भी तशरीफ लाइए एक बार, हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर हमसे बात कर रहे हैं। सर भाई एक बार जाओ ना भूप से, भेड़ लो उसके चैनल पर। क्या बा, क्या बा, क्या क्यों डर रहे हो? बुला लो ना भाई, भूप 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 का चैनल मेरे चैनल के बराबर है तो मैं जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका चैनल उतना नहीं है, वो किसी और के चैनल पर जाकर बैठता है ना भाई। लड़ना भाई तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम जाओगे क्या प्रॉब्लम? यहाँ तुम जाके लड़ोगे, यहाँ पर बुला दो ना, यहाँ पर बुला दो अल्लाह का वास्ता, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें भूप से लड़ना पड़ेगा। चलो नहीं भाई, हो गया हो गया, देखिए नहीं, ओके ओके ठीक है, ओके टेक केयर। चलिए देखिए, महाकाल के भक्त भाई यहाँ पर आए और बोल रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता तुम जाओ, इससे ये साबित हो रहा है कि ये कितना बेचैन है। हम तो भाई खुले आम की तरफ से हम बोल रहे हैं कि आइए आइए, मोस्ट वेलकम आइए, हम तनीस से आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, प्रूव योर रिलीजन इज बेटर देन इस्लाम, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। वो भूप भूप दूध भाई जहाँ पर भी बैठता है ना, वो गंदा गंदा प्लेटफॉर्म है। वहां पर क्या होता है हम सबको पता है, वहां पर रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है किसी कॉलर को, वहां रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है किसी डिबेटर को। वहां पर मेरा एक जिंदा जागता एक सबूत है कि जो प्लेटफॉर्म है वो बायस प्लेटफॉर्म है और बड़ा ही घटिया प्लेटफॉर्म है। वहां पर म्यूट किया जाता है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। मैं प्लीज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ मुझे बड़ी बदतमीजी से पेश किए पेश आए हैं वो दो मोहतरमाएं, तो वो प्लेटफॉर्म पर हमें जाना नहीं। वैसे भी मैं एक प्लेटफॉर्म पर वहां जा चुका हूँ एक बार, अभी भूप भूप धूप भाई जो भी है वो यहाँ पर आइए और देखिए कि हम किस तरह से आपसे बिहेव करते। हम परवीन के जैसा बिहेव नहीं करेंगे आपसे, हम प्रीति के जैसा बिहेव नहीं करेंगे आपसे, हम एक मुसलमान बन के आपको अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, ना कि बायस्ड होकर परवीन और प्रीति के जैसा। मोस्ट वेलकम, आप भूप भूप धूप जो भी भाई हो आइए डिस्कस करिए। दम की बात कर रहे हैं, डंके की चोट पे यहाँ पर बैठता हूँ मैं, ओपन चैलेंज सबको करता हूँ, जिसके पास दम है आइए। जितने सनातनी भाई है जिसके पास दम है आइए, जितने क्रिश्चियंस है आइए, भूप भूप धूप भाई जितने भी है ना, सबको धूप में खड़ा करके सुखा दूंगा मैं, आइए यहाँ पर। तो ल्यूकैंग भाई आपसे इजाजत लेते हैं, बैक स्टेज क्लियर कर दीजिए, दूसरे कॉलर्स आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ब्रदर। हिंदू भाई को एक बार फिर से लेते हैं। हेलो भाई, ओ आपने एक वीडियो डाली थी याद होगी, और जिसमें आपने हिंदुओं को वो कहा था हिजड़े, याद होगा, फेमिनाइन। मैंने हाँ, जिसमें वो एक हिंदू बाबा बोल रहा, हिंदू बाबा बोल रहा था कि जो हिंदू गर्ल्स होती है वो। मैंने नहीं बोला है, हाँ मैंने नहीं बोला है, वो नरसिंह आनंद के वर्ड्स है। नहीं मैं तो बस ये बोल रहा था, आप फिरोजा को जानते हैं? इसको फिरोजा, फिरोजा डॉटर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नहीं भाई वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट में नहीं पता भाई, वो हिस्ट्री के सब्जेक्ट पे हम जाते नहीं है, आज के स्ट्रीम पे बात करते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी इज द पास्ट थिंग, हिस्ट्री है वो इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, ना ही हिंदुइज्म से रिलेटेड है। ठीक है, हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, यस और नो? जी हाँ, यस यस यस, ओके। हाउ इज इट बेटर देन योर बेटर देन इस्लाम? बिकॉज हिंदुइज्म पॉलीमॉर्फिक गॉड्स में बिलीव करता है, ना कि सिर्फ एक वन क्रिएटर में। पॉलीफॉर्मिज्म का मतलब होता है कि गॉड कैन एग्जिस्ट एनीवेयर, बोथ कैन एग्जिस्ट एनीवेयर, मतलब आप जरा थोड़ा खुलकर बताइए ताकि हम समझ पाए। ये बोल रहा हूँ मैं, जैसे गॉड होते हैं वो हर चीज में एग्जिस्ट करते हैं, अल्लाह जो आपके गॉड हैं वो सिर्फ कुछ उनमें ही एग्जिस्ट, मतलब उनका सिर्फ एक वो अपने तक ही सीमित है, वो किसी चीज में एग्जिस्ट नहीं करते, आपको उन्हें याद करना पड़ता है तभी वो आपकी मदद करते हैं। पर हिंदुइज्म में आप किसी भी चीज की पूजा कर लीजिए वो गॉड ही।
ठीक है, तो यही पीके मूवी में भी यही बताया है, अगर आप कोई पत्थर को बना दिए और उसकी पूजा करने लग गए तो वो भी एक आस्था का स्थल बन जाता है, यही बोल रहे हैं आप? नहीं, उस पैसे कमाने थोड़ी नहीं थी उससे, और आपको पूजा कर लिया आस्था पत्थर आस्था की। आस्था नहीं, आस्था मेरे भाई, वो क्या है, हाँ तो वो शिव जी के डमरू का टूटा हुआ मन का, उसकी भी आस्था थी ना, पर वो तो एक प्लेनेट, हाँ वो तो उसका एक रिमोट कंट्रोल था, पर उसको एक आस्था बना दिए थे शिव जी के टूटे हुए डमरू का मन का बोलकर, ठीक है? तो कोई भी एक चीज को अगर आप आस्था से जुड़ाएंगे या फिर ले लेंगे उसको और बोलेंगे कि ये गॉड है, आप बोल रहे हैं कि हर चीज में गॉड बसता है, ठीक है? तो शिव जी के टूटे हुए डमरू का मनके में भी गॉड है, मानते हैं आप? पत्थर में भी गॉड है, आप है, मानते हैं? मानता हूं, तो आप मुझे बताइए कि जो पीके मूवी में बताया है वही आप बोल रहे हैं? बट उससे बिजनेस करना गलत है। आप पत्थर की पूजा घर पे रह के कीजिए, कोई नहीं रोक बिजनेस 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 आमिर खान कर रहा था, ठीक है, और पूजा जो कर रहे थे रहा। ना, वो स्टूडेंट्स थे, वो पूजा कर रहे थे ना, पूजा आपके जैसे लोग, भले लोग आस्था मान रहे थे ना, तो आप मुझे बताइए कि वो एक डेमो दिया था, एक सिर्फ पत्थर को उठाकर जिसपे जानवर कुछ मूत कर गए होंगे, कुछ भी होगा, गंदा पत्थर सिर्फ उठाया, उसको तिलक लगा दिया और छोड़ दिया, कुछ चंदा डालकर लोग उसकी आस्था करना शुरू कर दिए, भगवान मानना शुरू कर दिए, आप देवी। उस पत्थर को बुरा बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपके कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ मेरे भाई, नहीं, देखिए अभी भगवान जो है आपने ना, मैं एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ कि पीके मूवी में भी इस तरह से कुछ दर्शाया गया है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हर चीज में भगवान बसता है, तो पत्थर में एक क्या बात बस? जी बताइए, जो वो मजार होती है वो मस्जिद में, जानते हैं, उनको किसी पत्थर से ही बनाया होगा ना, ठीक है, उस पत्थर पे किसी ने टॉयलेट वगैरह नहीं किया होगा? तो क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको पूछते थोड़ी है, पत्थर पत्थर है, सजदा नहीं करते आप? पत्थर पत्थर है, नहीं करते हम, कोई किसी के आगे नहीं करते हम, अल्लाह के सामने झुकते हम, पत्थर पत्थर ही है भाई। तो फिर आपने वो मस्जिद क्यों बना रखी है? मस्जिद, हाँ मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, तो मस्जिद आपका घर भी है, ठीक है, आप घर में रहते हैं, आप वहीं पर रहते हैं ना, मस्जिद भी एक है, घर के जैसा है, वो अल्लाह का घर है, जहां पर इबादत होती है, स्पेसिफिक चीज, वहां पर जाकर आप सो नहीं सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते, घर अलग होता है, मस्जिद अलग होती है। यहाँ पर बात हो रही है कि आप पत्थर की इबादत कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भगवान आपके पत्थर में बसते हैं, हम नहीं मानते हैं कि पत्थर में अल्लाह बसते हैं, हम नहीं अगर मानते, आपसे को तो पत्थर से पॉजिटिव पॉजिटिव आप एनर्जी मुझे मिलती है बताइए तो आप कीजिए। भाई, तो यही पूछ रहा हूँ ना भाई, देखिए पत्थर को अगर आप ले रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ये एक मुहावरा है, कोट है, हिंदू बड़े कोट करते हैं, बोलते हैं कि कण कण में भगवान बसते हैं, आप मानते हैं कण कण में भगवान बसते हैं? हाँ, क्या गटर में मानता भी भगवान हूँ बसते हैं? जी। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस एग्जाम्पल, हार्श एग्जाम्पल, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, क्या गटर में भगवान बसते हैं? क्या आपकी पॉटी में भगवान बसते हैं? यस, मैं भी क्या बोलूं भाई, देखिए थोड़ा अकल इस्तेमाल करिए, भगवान जो है ना, पवित्र आत्मा बोलते हैं ना उनको, पवित्र आत्मा किस तरह से बोलते, क्यों बोलते हैं उनको पवित्र आत्मा? भगवान पवित्र है वो, पवित्र पाक आत्मा है, नहीं है, पाक आत्मा है, तो हम होली हैं। है, पवित्र। आप आत्मा नहीं है भाई, भगवान को पवित्र आत्मा बोलते हैं ना, बोलते हैं द सुप्रीम सोल, पवित्र आत्मा, ठीक है, पवित्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पाक है, होली है, सैक्रेड है, वो गंदी जगह नहीं बच सकता है, अगर वो गंदी जगह बसता है ना तो वो फिर पवित्र नहीं रहता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, आप अगर पॉटी में पैर रख दिए तो आपको नहाना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, जब तक आप वेद टच नहीं कर सकते हैं, आपने क्यों साइंस नहीं पढ़ी क्यों? शायद। नहीं, मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीजन की बात कर रहा हूँ, साइंस रिलीजन में नहीं मानती है, गॉड में नहीं मानती है, ठीक है, साइंस में पॉटी भी खा सकते हैं, बीवी के साथ या बहन के साथ भी सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, साइंस नहीं, में, साइंस साइंस में नहीं ऐसा मानती है नहीं सब है, चीजों को। साइंस में ऐसा नहीं है। आप लोग के रिलीजन में है पर साइंस में ऐसा नहीं है। सुनिए सुनिए मेरे भाई, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं ये बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अगर आप पॉटी में पैर रख देंगे तो आपको शुद्ध होना पड़ेगा, पानी नहाना पड़ेगा, स्नान लेना पड़ेगा, जब तक आप जप नहीं कर सकते, मंत्र नहीं पढ़ सकते, भगवान की पूजा नहीं कर सकते, आप वही चप्पल लेकर आप मंदिर में जा सकते हैं इबादत करने? नहीं एवरीथिंग जा इज सकते मेड ऑफ हैं एटम्स, एटम्स ही तो बनी है हर मेरे चीज। भाई, तो
तो भाई मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, आप अगर पॉटी में पैर रख दिए, वही पैर लेकर आप मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं? तो वो नेगेटिव एनर्जी बन गई ना भाई। नेगेटिव कहाँ से, कण कण में भगवान बसे, भगवान नेगेटिव थोड़ा ही होता है। जिस चीज से पॉटी में भी भगवान है, जिस चीज से हमें अच्छा फील ना हो उसमें नेगेटिव एनर्जी है, पर गॉड एग्जिस्ट एवरीवेयर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये देखिए आपकी लॉजिक अभी आप यूज करना स्टार्ट की है। आपको लगता है कि जो चीज नेगेटिव है उसमें वो अपवित्र है, वो होली नहीं है। तो उसी तरह से भगवान जो है ना वो पवित्र आत्मा है, वो होली है, सैक्रेड है, वो गंदी चीज में नहीं बच सकते। सिंपल एज दैट। तो ये मत बोलिए कि आप भगवान पॉटी में बसते हैं, गटर में बसते हैं। नहीं भाई, ये इंसल्ट हो रही है भगवान की, और ये ब्लास्फेमी है। हम ये अल्लाह को ये दर्जा कभी नहीं दे सकते। ये सनातनी के मुंह से हम सुनकर हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह के विचार रखते हैं आप एक पवित्र आत्मा के लिए। नहीं मेरे भाई, आपके तो रिलीजन में भगवान एक आत्मा ही है, हमारे रिलीजन में भगवान कोई आत्मा नहीं है। इज द अल्टीमेट पावरफुल द थिंग दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स हु हैज क्रिएटेड अस। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? हाउ इज इट योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? बेटर है। कैसा? आपके रिलीजन में साइंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। साइंस, साइंस से कैसा प्रूव होगा कि भाई ये अच्छा है या बुरा है? बेटर कैसा है? साइंस है भाई, साइंस है हिंदुइज्म। हनुमान चालीसा में, हनुमान चालीसा में सूर्य से और अर्थ की डिस्टेंस है। बताइए बताइए कहां पर? ये ऑलरेडी रेफ्यूड हो चुका है भाई। अभी वाल्मीकि, वाल्मीकि रामायण अगर देखेंगे ना आप, वाल्मीकि रामायण, अब निकोला टेस्ला को जानते हैं? सुनिए मैं वाल्मीकि रामायण बोल रहा हूँ, निकोला टेस्ला बाद में आता है, बच्चा है शायद ना उसका, वाल्मीकि रामायण के सामने, राम जी के सामने तो बच्चा ही होगा वो। तो मैं यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में बोल रहा हूँ कि वाल्मीकि रामायण में एक वर्स है जहां पर बताया जा रहा है कि एक बड़ा सा हाथी है जो जमीन को अपने सिर पर लेकर खड़ा है, जब वो मूव होता है तब भूकंप आता है जमीन पर। ये साइंटिफिक है? फिलोसफिकल बातें हैं, वो किसी और चीज से रिलेट कर रहे हैं उसे। आप फिलोसफिकल बात, फिलोसफिकल बातें हैं, फिलोसफिकल बातें हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मेरे भाई, ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, जैसे कि मित्र और वरुणा पैदा हुए, एक पॉट में एक सीमन जमा किए है, उसके अंदर से कुछ दिन के बाद वो पॉट में से दो बच्चे निकले, मित्र और वरुणा। श्रीमद भगवतम IVF टेक्निक भाई, पॉट में भाई सीमेन, वहां पर ओवा मौजूद नहीं है, सिर्फ सीमेन है। सीमेन से कैसा बच्चे पैदा होंगे? ये कॉम्बिनेशन होता है ना, ओवा और सीमेन जब मिलेगा, स्पर्म मिलेगा तो बच्चा पैदा होगा, उसमें से जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट से बच्चा पैदा होगा। रेफरेंस दीजिए ना। रेफरेंस होगा तो मान लेंगे आपके ये बकवास लिखी है आपके स्क्रिप्चर्स में। हाँ मान लूंगा। ठीक है, मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं देता हूँ आपको रेफरेंस। तो भाई ये मित्र और वरुणा का लिखा गया है श्रीमद भगवतम में, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। तो और अभी दूसरी हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम की, जैसे कि हम बात करते आए, कास्ट सिस्टम भी है ना आपके पास, हाउ डू यू सपोर्ट दैट कास्ट सिस्टम? मैं मेरे तो कोई फ्रेंड्स हैं लो कास्ट के, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुइज्म में भाई आप अच्छे इंसान है, हिंदुइज्म में बोल रहा हूँ मैं, कास्ट सिस्टम है? हाँ है। सिंपल आज इस्लाम में कास्ट सिस्टम, इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है, ना था ना है ना रहेगा, आपके पास है, था और हमेशा रहेगा जब तक कि आपके स्क्रिप्चर्स मौजूद है। अभी तो आपको अरब वाले सिटीजनशिप नहीं देते भाई। भाई सिटीजनशिप का अलग, भाई मेरे भाई सिटीजनशिप का अलग फंडा है ना, वो गवर्नमेंट रूल्स है। पाकिस्तान में भी अगर मैं जाऊंगा तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी मुझे, पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जाऊंगा तो भी नहीं मिलेगी सिटीजनशिप मुझे वहां पर, उनके रूल्स रेगुलेशन है। उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरे करने पड़ेंगे, आपको सिटीजन होने के लिए आपको 20 साल कुछ रहना पड़ेगा, कुछ सर्व करना पड़ेगा, या फिर आपको एक बड़ा बिजनेसमैन, उनके अलग रूल्स है सेपरेट। ठीक है, तो आप उससे ये जज मत करिए कि भाई अरब हमारे को ऊपर देखता है नीचे देखता है, इंसान गलत हो सकता है, इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में ऑल आर इक्वल। समझिए आप, मित्र और वरुणा का रेफरेंस चाहिए आपको? थोड़ा रुकिए आप, कोई ऑफिशियल साइट से देना? ऑफिशियल साइट से देता हूं मेरे भाई। और वैसे आप देखिए सती प्रथा को भी आप मानते हैं ना, कि आपके पास है स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है सती प्रथा? सती प्रथा मैं बताऊं क्या था, जो तुम्हारे वो थे ना लूटर्स अरब से आते थे, वो नेक्रोफिलिया, जानते हो क्या होता है? जी जी जी
जी वो जी करते थे, इसलिए सती होना पड़ता था उन्हें। सती नहीं, उसको बोलते हैं जोहर। सती अलग है, जोहर अलग है, समझे आप? आप जो बात कर रहे हैं ना, पद्मावत मूवी में जो बताया है ना, लास्ट में जोहर हो जाती है, वो जोहर है, सती नहीं है वो। जोहर करती थी रानिया और सती करती थी जो अलग लोग थे। हाँ, सती सती क्यों करती थी? रेप की वजह से सती नहीं करती थी, रेप की वजह से जोहर करते थे लोग। सती करती थी, अगर कोई आदमी इसका मर जाए, हस्बैंड मर जाए, तो लड़की अपनी इच्छा से अगर उसके अंदर चले जाती है तो उसको स्वर्ग मिलेगा, या फिर 300 करोड़ साल का स्वर्ग मिलेगा, अपने हस्बैंड के साथ रहेगी, ऐसे बड़े चीजें लिखे हैं आपके पास। तो जौहर अलग है और सती अलग है, तो आपके पास सती सिस्टम है, डू यू एग्री विद दैट? नहीं है, है सती सिस्टम आपकी किताबों में है? नहीं है भाई, मैंने देखा है। कहाँ है रेफरेंस दो ना। अच्छा रेफरेंस देता हूँ, रेफरेंस पूछ रहे हैं आप, ठहरिए रेफरेंस देता हूँ मैं आपको, बस थोड़ा ढूंढने में ही टाइम लगता है भाई, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है, इसी वजह से। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे कमेंट सेशन में बोर नहीं हो रहे, थोड़ी आज ये स्ट्रीम स्लो है क्योंकि मुझे मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही है, इसी वजह से। चलिए भाई, सती सिस्टम आ गया। देखिए पहले सती का ही बता देता हूँ मैं आपको, मित्र और वरुणा का थोड़ा टाइम लगेगा, देख रहा हूँ अभी जो सामने आ रहा है वही बता रहा हूँ मैं आपको। आपको स्क्रीन पर बताऊं या सिर्फ रेफरेंस दे दूं? स्क्रीन पे दिखा लो। रेफरेंस दूंगा तो नहीं चलेगा? नहीं रेफरेंस नहीं, स्क्रीन पे दिखा लो, मुझे देखना है कहां से रेफरेंस दे रहे हैं। श्रीमद् भगवतम से देता हूं। हाँ तो रेफरेंस दिखाई दीजिए ना शेयर स्क्रीन। ठीक है, चलिए आप मान लेते हैं आप बोल रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ फिर आपको। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर आया? ठीक नहीं अभी तक कुछ नहीं आया। है, हाँ मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस बताता हूँ, पढ़ के बोलता हूँ, ठीक है चलेगा ना? बोलिए। श्रीमद् श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 11 चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 19-20, यहाँ पर लिखा है द वाइफ्स ऑफ द बलरामा। बलराम कौन है आपको पता है ना? द वाइफ्स ऑफ द लॉर्ड बलरामा ऑल्सो एंटर्ड इन टू द फायर एंड एम्ब्रेस्ड हिज बॉडी, एंड वासुदेवाज वाइफ एंटर्ड Enter the fire and embrace his body. The daughter in उनकी law of बात the मत कीजिए, Lord वो गॉड Hari से है, entered the funeral fire. सुनिए, प्लीज वो गॉड सुनिए से ना, भाई। सुनिए ना, have respect for your scripture when I'm quoting it. Interrupt कैसा कर सकते हैं आप? मैं आपको कंप्लीट करने दीजिए ना, आप उसके बाद बोलिए। The daughter in law of the Lord Hari entered the funeral fire with the respective husbands, headed by the Padyumna and Rukmani and the other wives of Lord Krishna, whose hearts were completely absorbed in him entered his fire. तो यहाँ पर भाई कौन गॉड है आप बोल रहे हैं? रुक्मणी गॉड है? रुक्मणी ने गोड से शादी की थी तो गोड नहीं होगी। गॉड नहीं होती भाई, रुक्मणी एक लड़की थी, अगर गॉड मर गया तो फिर रुक्मणी भी मर गई, गॉड मर गया। तो भाई शी वाज सती पार्ट प्रथा के बारे में लक्ष्मी। बता रहा, सती प्रथा के बारे में अभी एक पढ़ लीजिए, अभी एक श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 50, 4, 28, 50, यहाँ पर लिखा है शी देन प्रिपेयर्ड अ ब्लेजिंग फायर विद अ फायर वुड एंड प्लेस द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड अपॉन इट, व्हेन दिस वाज फिनिश्ड शी लैमेंटेड सिवियरली एंड प्रिपेयर्ड हरसेल्फ टू पेरिश इन द फायर विद हर हस्बैंड। यहाँ पर एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो सती यहाँ पर भी बताया जा रहा है, तो सती प्रथा के मैं कई रेफरेंसेस कोट कर सकता हूँ आपको, बी आर अम्बेडकर ने भी बताया है, और स्वामी विवेकानंद ने भी बताया है, अभी क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? तो अगर कोई किसी रिलीजन बुक से गलत सीख रहा है तो उसमें रिलीजियस बुक की गलती है फिर लोगों की गलती है, आप बताइए। आप मान लेंगे ना, आप क्या बोले थे? अगर मैं सती प्रथा बताऊंगा तो आप मान लेंगे बोले थे ना, मान रहे हैं आप? तो उसमें ये नहीं लिखा है कि करो, तुम करो, वो गॉड्स हैं, वो कुछ भी करें। भाई मैंने क्या बोला था? सती प्रथा आपके पास है, आपने बोला है बताओ, मैंने रेफरेंस कोट किया है, अब आप इनकार कर रहे हैं।
क्या मतलब है इसका? मुझे वो रेफरेंस दिखे नहीं भाई, पता नहीं आपने कहां से उठाया भाई। रेफरेंस में कोट, मैं रेफरेंस कोट करके बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे कुछ बहाने